हमारे सांसद रमेश भिदोड़ी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक कोशिश की है कि एक पढ़े लिखे लोगों को भी संगठन में जगह दी गई है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान रख के लोगों के साथ जुड़कर और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति को कई गुना आगे बढ़ाएं। जैसे हर एक घर में नल से पानी आएगा, लेकिन आज कहाँ नल का पानी है, टैंकर से भी नहीं पानी पहुंचा रहे हैं। क्या करेंगे फिर जब जिम्मेदारी मिल गई है, अब तो शक्ति भी आपके पास है, संगठन के कार्यकर्ता भी आपके पास होंगे, मंडल अध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, और अगर दिल्ली प्रदेश की बात करें आदेश गुप्ता जी के साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुकात भी होगा, किस तरीके से संगम बिहार की जनता की जो मूलभूत समस्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं हम जानना चाहेंगे, तो उस समस्याओं को आगे किस तरीके से आप लेके चलेंगे, संगठन के पास कैसे रखेंगे टेबल पर कि जी इस तरीके से परेशानी है और हम ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जनार्दन में, और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत देवली मेन रोड पर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बलवीर सिंह बल्ली जी, और इनके साथ एक खास इंटरव्यू, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संगठनात्मक जो पदोन्नति हुई है इस कड़ी में बलवीर जी को दक्षिण दिल्ली जिले के महामंत्री पदवी पर इनको नियुक्ति मिली है। और पहले तो बलवीर जी स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपको दक्षिण दिल्ली जिले की तरफ से महामंत्री पदवी में नियुक्ति मिली है। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में कब से लगे हुए हैं, हम 1984 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार इस बार हमारे सांसद रमेश भिदोड़ी जी ने एक नई जान फूंकने के लिए संगठन में हमें इसमें नियुक्त किया है, तो रमेश जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें महामंत्री का संगठन की तरफ से पद दिलवाने में एक विशेष सहयोग रहा। उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी है, उन्होंने हमारे काम करने का तरीका देखा है, तो सबसे अच्छे तो हमें रमेश भिदोड़ी जी ही जानते थे, और बाकी क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोग हैं वो सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने पीछे किस प्रकार से पूरे इलेक्शन को मैनेज किया है और पूरी कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी से अच्छी बनी रहे। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं, और मौजूदा सांसद रमेश भिदोड़ी और तमाम जो कार्यकलाप इनके रहे हैं पिछले इलेक्शन से लेके और जब से ये राजनीति में सक्रिय हैं, वर्षों की राजनीति देखे हुए हैं, और खासकर अगर बात करें समस्याओं के बारे में बात करते हैं, मैं राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय एजेंडे के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्षेत्रीय की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बलवीर जी पहले क्षेत्र की समस्या के बारे में जानते हैं और जिम्मेदारी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बहरहाल मैं जानना चाहूँगा कि जो महामंत्री पद पर आप आए हैं, संगठन ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, बात करते हैं आने वाले दिनों में, आप जरा जनता को बताएं जब महामंत्री नियुक्ति मिलती है पत्र आपको, चाहे संगठन से आपको बिल्कुल आश्वासन दे दिया गया कि आप महामंत्री पद पर आ चुके हैं, आगे की जिम्मेदारी किस प्रकार से उनकी सोच रहती है, संगठन की सोच किस प्रकार से महामंत्री के ऊपर, क्या कुछ जिम्मेदारी वो देते हैं और क्या उम्मीद रखती है संगठन की, भाई अगर ये महामंत्री बने हैं तो इनको इस प्रकार से संगठन की सेवा करनी चाहिए और जनता की भी सेवा करनी चाहिए, संगठन की मजबूती क्या कुछ है, मतलब देखिए संगठन में जिसको भी जो दायित्व मिलता है उसकी सबसे पहला जो जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो एक संगठन बना हुआ है उसमें एक प्रॉपर समन्वय बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी महामंत्रियों की होती है। वो क्षेत्र के जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, सबको एक समन्वय बनाकर एक टीम भावना जो जागृत करनी है वो सबसे जरूरी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 सालों से सत्ता में नहीं है, पहले 15 साल शीला दीक्षित रही, अब पिछले 6-7 सालों से केजरीवाल की सरकार चल रही है, तो हम ये एक दायित्व बनता है, हम जितने लोग संगठन ने हमें जो ये नेतृत्व सौंपा है तो हमें ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जो जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, जो उसकी एक विशेषता है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली की जनता भूल गई है, दिल्ली विकास के मामले में कितना पीछे रह गई है जनता जानती है, लेकिन छोटे छोटे प्रलोभन देके कुछ पार्टियां जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं, और उसी का आज नतीजा है कि दिल्ली की ये हालत हो गई है। हमारे क्षेत्र की समस्याएं तो सबको ही पता है, मैं साउथ दिल्ली की बात करूं जिसमें 30-35% एरिया इरेगुलर कॉलोनीज हैं, वहां पे बेसिक सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं करा चुकी। केजरीवाल जी कहते थे कि 2017 तक हम पानी की लाइन से हर एक घर में नल से पानी आएगा, लेकिन आज कहाँ नल का पानी है, टैंकर से भी नहीं पानी पहुंचा रहे हैं। क्या करेंगे फिर जब जिम्मेदारी मिल गई है, अब तो शक्ति भी आपके पास है, संगठन के कार्यकर्ता भी आपके पास होंगे, मंडल अध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, और अगर दिल्ली प्रदेश की बात करें आदेश गुप्ता जी के साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुकात भी होगा, किस तरीके से संगम बिहार की जनता की जो मूलभूत समस्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं
हम जानना चाहेंगे बलबीर जी, आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगम बिहार की जो आवाज है, जो परेशान और त्रस्त जनता है, जो आप समस्याएं गिना रहे हैं, तो उस समस्याओं को आगे किस तरीके से आप लेके चलेंगे, संगठन के पास कैसे रखेंगे टेबल पर कि जी इस तरीके से परेशानी है और हम ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैसे तो बहुत ही सशक्त है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समझ एक समन्वय की कमी है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले एक प्रॉपर समन्वय बने और लोग उसी के अंदर सब एक छत्र होके जनता के बीच में जाएं। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को खत्म करने की, देखिए भारतीय जनता पार्टी समस्याओं को उठाती रहती है, लेकिन जब तक ग्रास रूट लेवल पे हम लोग अपने आप को जनता से कनेक्ट कर पाएंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जहां पर, जहां तक मैं दिल्ली की बात करूं, लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, जब आप गली कूचे की बात करते हैं, तो मेरे को ये लगा हम लोग पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अब हमें भी संगठन में पद मिला है और हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि हम लोग जनता के बीच रह के जनता के लिए, जनता की समस्याओं को अच्छी तरह से उठाएं, ताकि कोई भी नेता यहां पे हो वो जनता की समस्याओं को ना भूले। हमारा सबसे बड़ा यही एक काम होगा जिसको हम दूर करने की कोशिश करें। तो आप फाइनली अपने क्षेत्र की जनता को, बीजेपी के मेन जो शीर्ष नेतृत्व को और आपके कार्यकर्ताओं को क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आने वाले? नहीं, मेरा तो पूरे देश की, अपने क्षेत्र की पूरी जनता को और शीर्ष नेतृत्व को मैं हाथ जोड़कर आभार करता हूं, और जहां तक मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरी क्षेत्र की जनता से गली गली में जाके अपने संगठन को पूरा बढ़ावा दें, संगठन की जो एकता की शक्ति होती है उसको प्रदर्शित करें, और क्षेत्र की समस्याओं को जब हम लोग प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे तो वो दूर भी होंगी। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं दोबारा से हमारे सांसद रमेश भिदोड़ी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक कोशिश की है कि एक पढ़े लिखे लोगों को भी संगठन में जगह दी गई है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान रख के, लोगों के साथ जुड़कर, और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति को कई गुना आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे दक्षिणी दिल्ली जिले से नवनियुक्ति के बाद बल्ली जी, और बल्ली जी के साथ बात करके आज ये तो पता चल रहा है कि मनसा है, इच्छा है जनता के लिए काम करने की। अब आने वाले दिनों में देखना बाकी रहेगा, समय बताएगा ये संगम बिहार में, या आप इतने वर्षों से रह रहे हैं इस संगम बिहार क्षेत्र के लिए क्या कुछ होने वाला है, अच्छा की उम्मीद करेंगे। और इसी के साथ एक और बात करना चाहेंगे, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यूज आपके पास पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर नए रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।